ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نزلنا عليك القرآن قليلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد رب يا علي لاش اكبر رب يا علي یہ کیسا وقت آ گیا سرور پہ یا علی سرور پہ یا علی دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی نظروں میں شاہ کی برچھی لگی جو سینے اکبر پہ یا علی اکبر پہ یا علی کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین اے میرے نور عین کہتے تھے شاہ لاش اکبر پہ یا علی اکبر پہ یا علی پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے جو تربت کو تر کرے روتے تھے شاہ تربت اصغر پہ یا علی اصغر پہ یا علی
ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी जलती जमीन पर, जलती जमीन पर। खंजर चला जो गर्दन सरवर पे आली, सरवर पे आली। बादे हुसैन खैमों से जिंदाने शाम तक, जिंदाने शाम तक। होता ज़ुल्म शाह की दुख तर पे आली, दुख तर पे आली। लाए कहाँ से ताब बया जो करे फरीद, बया जो करे फरीद। टिकती नहीं नजर किसी मंजर पे आली, मंजर पे आली। जहरा तमाम रात तड़पी जो रूहे फातिमा, जहरा तमाम रात। रन में था ज़ोफ़े गम-ए जहरा तमाम रात। असगर कहीं शहीद ना हो जाए प्यास से, असगर कहीं शहीद ना हो जाए प्यास से। माँ झुक के देखती रही झूला तमाम रात। रन में था ज़ोफ़े गम-ए जहरा तमाम रात। अब्बासे गिर्द खेमे शे घूमते रहे, अब्बासे गिर्द खेमे शे घूमते रहे। मिसले तवाफ़ खाने काबा तमाम रात। रन में था ज़ोफ़े गम-ए जहरा तमाम रात। मक़्तल की सर ज़मीन पे बना ते रहे हुसैन, मक़्तल की सर ज़मीन पे बना ते रहे हुसैन। इस्लाम की हयात का नक्शा तमाम रात। रन में था ज़ोफ़े गम-ए जहरा तमाम रात। फरमाइशों ने सादर को मजबूर कर दिया, फरमाइशों ने सादर को मजबूर कर दिया। लिखना पड़ा मराज में भी नौहा तमाम रात। रन में था ज़ोफ़े गम-ए जहरा तमाम रात। सलाम अलैकुम। ये इस अशय मजागिस की आखिरी मजलिस इस वसानिया में हो रही है और हज़्ब दस्तूर चंद मिनट मैं आज के दिन आप हज़रात से मुखातिब होता हूँ। वक्त मजलिस हो गया है लेकिन कुछ ज़रूरी बात रहती है, तो इसलिए 9 मुहर्रम को मैं ज़रूर आपकी खिदमत में एक खादिम की हैसियत से हाजिर होता हूँ।
इमाम जमान टेस्ट की हैसियत से नहीं बल्कि कौम के खादिम की हैसियत से, ख़ानदान शाहान अवध और ख़ानदान इश्तियात का साथ दाम का साथ रहा है हमेशा। ख़ानदान इश्तियात ने अपनी इल्म की दौलत से अज़ाए हुसैन को फ़ौर देने की खिदमत अंजाम देती चली आ रही हैं आज भी और हमेशा से। और ख़ानदान शाहान अवध ने अपने महल न बनवा के अजीम उशान इमाम बाग़ तामीर करके अज़ाए हुसैन को फ़ौर देने में नुमाया किरदार अदा किया है। ये अजीम उशान इमाम बाग़ जो नवाबी ने शाहान अवध ने तामीर करवाए हैं ये आज़ादाई के सिलसिले में की गई है और इसी अज़ाए हुसैन की गई है। चूँकि ये अजीम उशान इमाम बाग़ आज से 7 साल पहले 2015 तक इस टाइम इस दोपहर के वक्त में यहाँ पर टूरिस्ट आके और अपनी एक्टिविटीज़ जो दिखाते थे वो इंतहाई तकलीफ़ के बायस होती थी। चूँकि जिस वक्त इमाम अजमाना टेस्ट वजूद में आया 2015 में तो सबसे पहले इस इमाम बाग़े पर निगाह गई कि ये अजीम उशान इमाम बाग़ा आसूद दौगा ने जो बनवाया है अज़ाए हुसैन की, ये यहाँ पर कोई बाशा नहीं होता है और यहाँ पर दोपहर में टूरिस्ट आते हैं उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि अज़ाए हुसैन है, यहाँ पर मजलिस मातम बर्पा होना चाहिए। चुनांचे इमाम अजमाना टेस्ट ने 2015 को इस हुसैनिया में यह अशा कायम किया ताकि यहाँ पर जिक्र हुसैन होता है और नवाब आसफुद्दौला ने जिस मकसद से इमाम बाग़ तामीर करवाया है उनकी रूह को भी खुशी महसूस होए और इशारे सवाब उनको पहुँचता है। इन चंद जुमलों के साथ में मैं यहाँ पर तंजीम आसफी जो तंजीम है उसने इस अशे में बगचा के हिस्सा लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जनाब यावर साहब, जोया मेहदी साहब, साबिर अली ख़ान और जो हजरात भी इसमें इस अशे में नुमाया किरदार अदा करते हैं मैं उन सब का शुक्रिया आज के दिन अदा करता हूँ। और आप तमाम मोमिन और मोमिनात का जो इसमें अशे मजाज में शिरकत फरमा कर अज़ाए हुसैन को फ़ौर देने में नुमाया किरदार अदा करते हैं, शहजादी कौनैन आप सबको इसका अजर दें और मौगा आपको कि दिली मुरादें पूरी करें। मैं बहुत ही माजरत के साथ में और बहुत ही इल्तिजा के साथ में आप हजरात से गुजारिश हूँ करता हूँ कि सागे आइंदा भी आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और ये पैगाम मेरा जहाँ जहाँ भी हो सके पहुँचाएँ कि इन अजीम उशान इमाम बाग़े में ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस करके इस अजीम उशान मकसद को नुमाया करें। मैं इन चंद अल्फाज के साथ में हुज्जत इस्लाम आगिदा मौलाना शाहिद हुसैन साहब के पास गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और मजलिस को ख़िताब फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين अब القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم عليه اجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات اللهم صل على محمد
कुछ ऐलानात है कि जो मजलिस के आगाज़ से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। जैसा कि आपको मालूम है और अभी सारिम साहब ने भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये अशराए मुबारका के जो यहाँ मुनक्किद किया गया है आसिफी इमाम बाड़े में, बड़े इमाम बाड़े में, ये इमाम ज़माना ट्रस्ट की जानिब से इनेकाद किया गया है, मुनाकिद किया गया है। और इस अशरे का आगाज़ 2015 से हुआ और इसके ट्रस्टी जो हैं मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला और जनाब सारिम साहब जो हैं इसके ट्रस्टी हैं। बहुत सारी खिदमात हैं इस ट्रस्ट की कि जो इन 7 सालों में इस ट्रस्ट के ज़रिए से आवाम तक पहुँचीं। मसलन 2016 में इन्होंने एम्बुलेंस शुरू करी कौम की खिदमत के लिए कि जहाँ भी बड़े अस्पतालों की एम्बुलेंस या गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती तो वहाँ इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, एक एम्बुलेंस शुरू करी कि जो मरीज़ हैं या बीमार हैं अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते तो ये इमाम ज़माना ट्रस्ट के ज़रिए से जो एम्बुलेंस शुरू की गई है उससे लोग इस्तेफादा कर सकें। इसी तरह से लड़कियों के लिए जो नहीं कमा सकती हैं या मजबूरी की हालत में हैं उनके लिए इस ट्रस्ट ने जो है सिलाई सेंटर शुरू किया और जिसमें हज़ारों की तादाद में लड़कियों ने शिरकत करी, क्योंकि ये 2016 में शुरू किया गया था और अब 2021 चल रहा है, लिहाजा हर साल कई ग्रुप इस ट्रस्ट के ज़रिए जो सिलाई सेंटर शुरू किया गया है उसमें उस ट्रेनिंग को सीखा और उसके बाद अब माशाल्लाह से वो खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसी तरह से दूसरी ट्रेनिंग है मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग है कि जो इस ट्रस्ट के ज़रिए से नौजवानों को दी गई है, और टूरिज्म की ट्रेनिंग है कि जो इस ट्रस्ट के ज़रिए से दी गई है। इसी तरह से इस ट्रस्ट की ये खिदमत भी है कि बाद नमाज जुमा और शब जुमा मस्जिद आसिफी में या इमामबाड़े आसिफी में मजलिस मुनक्किद की जाती है। किसके लिए? सैयदुश्शहदा के लिए, सैयदुश्शहदा की याद के लिए। क्यों? क्योंकि ये इमामबाड़ा ऐसा है कि जो आबादी से थोड़ा दूर है, लिहाजा मोमिनीन थोड़े गाफिल थे, मोमिनीन आशना नहीं थे, लिहाजा इस अहमियत को देखते हुए इमामबाड़े की यहाँ पर मजलिस भी मुनक्किद की गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खिदमात हैं कि जो इस ट्रस्ट के ज़रिए से हो रही हैं, मसलन गरीब लड़कियों की शादी करना, इमदाद करवाना, और इसी तरह से दीगर खिदमात और ट्रेनिंग के जो जवानों की दी जा रही हैं जो बेरोज़गार हैं। जाहिर सी बात है इस ज़माने में तो कोरोना का ज़माना है कि जब हर इंसान परेशान है रोज़गार के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, बिज़नेस के लिए, तो वहीं इमाम ज़माना ट्रस्ट के ज़रिए से एसी और फ्रिज की जो ट्रेनिंग होती है वो इस ट्रस्ट के ज़रिए से शुरू की गई है और कौम के जवानों को सिखाया जा रहा है। और बाकी जो महफ़िलें होती हैं 15 शाबान की महफ़िल और दीगर महफ़िल भी इस ट्रस्ट के ज़रिए से मुनक्किद की जाती है। बहुत सारी खिदमात हैं इस ट्रस्ट की कि जो कौम के लिए है, और बहुत सारे मोमिनीन हैं कि जो इस ट्रस्ट में ताउन करते हैं और जिनकी मदद से ये ट्रस्ट चल रहा है। लिहाजा हमारी दुआ है खुदा वंदे मुताल की बारगाह में कि इंशाल्लाह खुदा वंदे मुताल इस ट्रस्ट को और नवाजे और तौफीकात दे कि और कौम की खिदमात अंजाम दे सके। एक सलावात भेजी पर मोहम्मद वाले। और मैं उन तमाम हाजरीन और उन तमाम खादमीन के जो इस इमामबाड़े के खादमीन हैं और बिलखसूस हुसैनी चैनल के जो जनाब रफ़त आलम साहब के ज़रिए से पूरी लखनऊ बल्कि पूरी दुनिया में नश्र कर रहा है इन मजालिसों को, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो इस अशरे मजालिस में हर तरह का ताउन कर रहे हैं, हाथ पैरों का, ज़बान का और तबलीगात का। लिहाजा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक सलावात भेजी बल मोहम्मद वाल मोहम्मद। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, फ़मन हाज जका फ़ी है मिम्बाद माजा अका मिनल इल्म फ़कुल तआलौ नदउ अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्म नबतहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आए मुबाहला कि जिसमें खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया नबी को, अपने रसूल को, अपने हबीब को कि ऐ रसूल, ऐ हबीब, इन ईसाइयों से कह दीजिए, इन राहिबों से कह दीजिए कि अगर मैदान मुबाहला में आना है तो ये अपने बेटों को ले आए, आप अपने बेटों को ले आइए, ये अपनी औरतों को ले आए, आप अपनी औरतों को ले आइए, ये अपनी नफ्सों को ले आए और आप अपनी नफ्सों को ले आइए, और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद करें और नफरीन करें।
बद्दुआ करें। तो अब जब बद्दुआ करेंगे अहले बैत तो लाजमी है अहले बैत है मासूम, दुआ जा रही है मासूम के ज़रिए से, दुआ कर रहे हैं मासूम। अब ये मुमकिन नहीं कि अहले बैत दुआ करें और वो दुआ मुस्तजाब ना हो। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, अहले बैत की वो ज़ात है कि ये अगर किसी मकाम पे दुआ कर दें, अगर पहाड़ की तरफ इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाता है, दरख्त को इशारा कर दें तो दरख्त अपने मकाम से हिल जाता है, पत्थरों को इशारा कर दें तो वो बोलने लगते हैं, हैवानात को इशारा कर दें तो वो कलाम करने लगते हैं। तवज्जो कीजिएगा, अगर मरे हुए इंसान को इशारा कर दें तो वो ज़िंदा होकर के बोलने लगता है। एक सलावत भेजी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ा आगे आ जाएं ताकि आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। एक सलावत भेजी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद मुताल ने हर मकाम पे और हर मरहले में अहले बैत अलैहिस्सलाम को हमारे लिए उसवा बनाया, नमूना अमल बनाया। लक़द काना रसूलुल्लाह फ़ी उसवतुन हसना, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नमूना अमल तुम्हारे नबी हैं, तुम्हारे रसूल हैं, तुम्हारे हादी हैं, तुम्हारे इमाम हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को गुजारने के लिए हमारा एक उसवा होता है, एक आइडियल होता है, एक नमूना अमल होता है कि जिसके ज़रिए से और जिसको देखकर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, अरबों की तादाद में मौजूद हैं। आप किसी भी इंसान के पास चले जाइए, उस इंसान से सवाल कीजिए कि भाई तुम्हारा हदफ क्या है, मकसद क्या है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। किसी भी इंसान के पास आप जाइए, उससे उसका हदफ और मकसद पूछिए, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो वो फलां का नाम लेगा कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं इस तरह का बनना चाहता हूँ। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब इंसानों की बात की जाती है तो इंसान उसी की मिसाल देते हैं कि जिसके जैसे वो बनना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं इंसानों में जब किसी शिया से पूछा जाता है तो तुम किसके जैसा बनना चाहते हो, तुम किसके जैसे अपने किरदार को बनाना चाहते हो, तुम किसके जैसे अपनी गुफ्तार को बनाना चाहते हो, तुम किसके जैसे अपनी रफ्तार को बनाना चाहते हो। तो अगर अली का चाहने वाला होता है तो वो जवाब देता है कि हम मीसम की तरह बनना चाहते हैं, हम अबू जर की तरह बनना चाहते हैं, हम बगदाद की बनना चाहते हैं, हम कंबर की तरह बनना चाहते हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, यही फ़र्क होता है शियाने अली में। जब शियाने अली से सवाल किया जाता है कि किसकी तरह से बनना चाहते हो, तो अज़ीज़ाने गिरामी वो ये नहीं कहते कि हम दुनियावी लोगों की तरह बनना चाहते हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं कि जिनसे रसूल भी राजी हो जाए, जिससे खुदा भी राजी हो जाए, जिससे इमाम भी राजी हो जाए। एक सलावत भेजी पर मोहम्मद वाले। एक ऐलान है आपके खिदमत में कि 12 मुहर्रम को ठीक 1 बजे इसी हुसैनीये में और इसी मिंबर पे मेरा बयान होगा, इंशाल्लाह आपसे शिरकत की गुजारिश है। सलावत भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा यही फ़र्क होता है एक शियाने अली में और एक गैर शिया में। अब अज़ीज़ाने गिरामी, ये अहले बैत का दर है, ये मखसूस तो नहीं कि ये सिर्फ शियों के लिए हो, ये फ़र्श अज़ा शियों के लिए हो, ये आज़ादारी शियों के लिए हो, बल्कि ये फ़र्श अज़ा इंसानों के लिए है। क्योंकि हुसैन ने कायनात को बचाया, हुसैन ने इंसानियत को बचाया, हुसैन ने दीन को बचाया, हुसैन ने मज़हब को बचाया। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन ने नमाज को बचाया, हुसैन ने रोज़े को बचाया, हुसैन ने हज को बचाया, हुसैन ने ज़कात को बचाया, हुसैन ने शरीयत को बचाया, हुसैन ने रिसालत को बचाया, हुसैन ने नबूवत को बचाया, हुसैन ने आदम को बचाया, हुसैन ने नूह को बचाया, हुसैन ने इब्राहिम को बचाया, हुसैन ने मूसा को बचाया, हुसैन ने ईसा को बचाया। अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा की कसम, अगर हुसैन करबला के मैदान में ना जाते तो आदम की मेहनत ज़ाया हो जाती, नूह की मेहनत ज़ाया हो जाती, इब्राहिम की कुर्बानी ज़ाया हो जाती, इन तमाम नबियों की कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाती। हुसैन ने करबला में आके ये बताया कि देखो 1,24,000 नबियों की कुर्बानियाँ एक तरफ, हुसैन की कुर्बानी करबला में एक तरफ। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन की कुर्बानी एक तरफ,
क्यों? क्योंकि ये शरीयत को बचाने वाले हैं. क्यों? क्योंकि इनके नाना शरीयत को लाने वाले हैं, लिहाजा जिम्मेदारी है. और अजीजाने गिरामी, जब बात इमामत की जाती है तो मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया था, इमामत का इद्दा करना और है, इमाम बनना और है, सलोनी का दावा करना और है, जवाब देना और है. अजीजाने गिरामी, जो विलायत होती है वो अल्लाह की जानिब से होती है. इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुह वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस सलात व युतूनस ज़कात व हुम राकिऊन. एक फ़कीर आता है मस्जिद में, आने के बाद कहता है कि कौन है कि जो मेरी मदद करे, कौन है जो मुझे ज़कात दे. अब अजीज़ाने गिरामी, मुसलमानों की मस्जिद है, खचा खच भरी हुई है, मजमा मौजूद है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं. अजीज़ाने गिरामी, ये सुन्नत पुरानी सुन्नत है कि मुसलमान मस्जिदों को भर लेते हैं लेकिन शरीयत को नहीं समझते. शरीयत क्या कहती है? शरीयत क्या चाहती है? शरीयत ने कहा नमाज वाजिब, शरीयत ने कहा रोज़ा वाजिब. मुसलमानों ने नमाज को भी सुन लिया, रोज़े को भी सुन लिया, नमाज भी पढ़ ली, रोज़ा भी रख लिया, लेकिन और बातों को भूल गए, और बातों को भूल गए, सुन्नत रसूल को भूल गए, सुन्नत इलाही को भूल गए. फ़कीर आता है, मुसलमानों का मजमा है, मस्जिद भरी हुई है, सवाल करता है, ज़कात मांगता है. तारीख में मिलता है कि किसी ने ज़कात नहीं दी. एक मरतबा आवाज़ को बुलंद किया, जवाब नहीं आया. दूसरी मरतबा फिर सवाल किया, जवाब नहीं आया. तीसरी मरतबा फिर ज़कात का सवाल किया. अब जब तीसरी मरतबा सवाल किया तो एक आवाज़ आई, अजीज़ाने गिरामी, आवाज़ आई, लेकिन उस तक आई कि जिसने मांगा था, जिसने मांगा था उस तक आवाज़ आई. एक शख्स है कि जो हालत रुकू में है, तवज्जो कीजिएगा, एक शख्स है कि जो हालत रुकू में है, नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, नमाज की हालत में है, रुकू की हालत में है, जिक्र हम्द व सना कर रहा है, अल्लाह की हम्द व सना कर रहा है. अजीज़ाने गिरामी, मैं कहूँगा कि हालत रुकू में था, इस हालत में था कि अल्लाह की हम्द व सना कर रहा है. आप ये कहते हैं कि नमाज में इधर उधर देखना बिदअत, आप ये कहते हैं कि नमाज में सामने देखना बिदअत, आप ये कहते हैं कि नमाज में कोई गैर इस्लामी काम करना बिदअत. तो मुझे ये बता दिए कि कुरान में जो ये आयत आई कहाँ से आई, ये आयत कहाँ से आई? अजीज़ाने गिरामी, जब ये आए विलायत नाजिल हुई, मौला हालत रुकू में थे, हाथ को आगे किया, अंगूठी की तरफ इशारा किया, फ़कीर ने, सवाल करने वाले ने अंगूठी को उतारा. अजीज़ाने गिरामी, अहले बैत में और सहाबा में यही फ़र्क है, तवज्जो कीजिएगा, अहले बैत और सहाबा में यही फ़र्क है. अहले बैत वो हैं कि जब कोई अमल अंजाम देते हैं तो इनकी शान में आयात इलाही नाजिल होती है, और सहाबा वो होते हैं कि आयात पहले नाजिल होती हैं, अमल बाद में करते हैं. एक सलवात भेजी मोहम्मद. अजीज़ाने गिरामी, अहले बैत वो हैं कि जो पहले अमल करते हैं, जब ये अमल करते हैं तो आए इलाही नाजिल होती है, तब वही इलाही नाजिल होती है. अब मुसलमान मस्जिद में जमा हैं, अली उन मुसलमानों के दरमियान बैठे हुए हैं, रसूल आते हैं मस्जिद में, आने के बाद सवाल करते हैं कि किसने हालत रुकू में ज़कात दी? तवज्जो कीजिएगा, नबी ने नहीं देखा, नबी के पास मोबाइल मौजूद नहीं था कि मौला अली रसूल को फ़ोन करके बता देते कि या रसूल अल्लाह, मैं हालत रुकू में था, एक साहिल आया, सवाल किया, मैंने उसको अंगूठी दे दी. नहीं नहीं अजीज़ाने गिरामी, इंटरनेट का दौर नहीं था, मोबाइल फ़ोन का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, वही इलाही की टेक्नोलॉजी थी, अल्लाह की टेक्नोलॉजी थी. इधर अली ने हालत रुकू में ज़कात दी, उधर जिब्राइल रसूल के पास नाजिल हो गए, ए रसूल मस्जिद में जाके बता दीजिए कि अली ने हालत रुकू में ज़कात दी है, लिहाजा अली से अल्लाह राज़ी हो गया है. एक सलवात भेजी पर मोहम्मद. एक और सलवात भेजी पर मोहम्मद. अब अजीज़ाने गिरामी, वही इलाही नाजिल हो गई, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुह वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युकीमूनस सलात व युतूनस ज़कात व हुम राकिऊन. क्या अल्लाह का वली, ईमान वालों का वली अल्लाह है,
अब अजीज़ाने गिरामी, जब वही इलाही नाजिल हो गई, आए इलाही नाजिल हो गई, तो बहुत सारे मुसलमानों ने मस्जिद में इसी अमल को अंजाम दिया कि शायद मेरी शान में भी आयत नाजिल हो जाए, शायद मेरी शान में भी वही इलाही नाजिल हो जाए। एक दिन किया नाजिल नहीं हुई, दूसरे दिन किया नाजिल नहीं हुई, तीसरे दिन किया नाजिल नहीं हुई। अजीज़ाने गिरामी, ये वही इलाही है, तवज्जो कीजिएगा, किसी मुल्ला का फतवा नहीं है। एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ाने गिरामी, बात टेक्नोलॉजी की हो रही थी, आपके खिदमत में अर्ज़ किया था कि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं था, उस ज़माने में जो है इंटरनेट मौजूद नहीं था कि एक दूसरे को इत्तला कर दी जाती, उस ज़माने में साइंस का ज़माना नहीं था। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो उस ज़माने में भी अगर लोग तरह तरह के सवाल करते थे और उनको हर सवाल का जवाब अहले बैत वैसे ही देते थे। अगर किसी ने साइंस से मुतालिक सवाल किया तो अहले बैत ने वैसा जवाब दिया, अगर किसी ने खुदा की खुदाई के मुतालिक सवाल किया तो अहले बैत ने उनको वैसा जवाब दिया। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपके ज़माने में एक शख्स आता है आपके पास और आने के बाद कहता है, इब्न रसूल अल्लाह, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा कवी चीज़ क्या है। तो अजीज़ाने गिरामी, उस ज़माने में साइंस का ज़माना नहीं था, टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं था, दूरबीन मौजूद नहीं थी, कैमरा मौजूद नहीं था, लेकिन इमाम ने कहा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। सवाल करने वाला पूछता है कि ये बताइए इब्न रसूल अल्लाह, कौन सी इस कायनात में कवी चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा कवी है, सबसे ज़्यादा मजबूत है। अजीज़ाने गिरामी, ये फ़र्जंद रसूल हैं, चाहते तो सीधा जवाब दे देते, लेकिन ये भी बताना था कि देखो हम वो हैं कि जो अपनी तरफ से कलाम नहीं करते, बल्कि उधर से वही जब नाजिल होती है तो इधर बताते हैं। अब इमाम हसन ने बताया कि देखो सबसे ज़्यादा कवि और सबसे ज़्यादा मजबूत जो चीज़ है इस दुनिया में वो पत्थर है। अब पूछने वाले ने जब देखा कि पत्थर बताया, कहा यही सबसे ज़्यादा कवि है, सबसे ज़्यादा मजबूत है। इमाम ने कहा ठहरो, अभी बात को मुकम्मल तो हो जाने दो, अभी तो ये मुकदमा है, अभी तो ये शुरुआत है। कहा पत्थर से ज़्यादा लोहा है कि जो उस पत्थर को काट देता है। सवाल करने वाला देखता है, कहता है इब्न रसूल अल्लाह इससे ज़्यादा सख्त क्या है। कहा इससे ज़्यादा सख्त आग है जो लोहे को पिघला देती है। कहा इससे ज़्यादा क्या सख्त है। कहा आग से ज़्यादा सख्त पानी है कि जो इस आग को बुझा देता है। कहा इससे ज़्यादा सख्त क्या है। कहा पानी से ज़्यादा सख्त बादल है कि जो इस पानी को बरसाते हैं। तवज्जो कीजिएगा अजीज़ाने गिरामी, कहा इस पानी से ज़्यादा सख्त बादल है कि जो इस पानी को बरसाते हैं। कहा इससे ज़्यादा सख्त क्या है। कहा बादलों से ज़्यादा सख्त वो हवा है कि जो बादलों को अपने साथ ले जाती है। कहा उस हवा से ज़्यादा सख्त वो फरिश्ता है कि जो उन हवाओं को चलाता है। उससे ज़्यादा सख्त, उस फरिश्ते से ज़्यादा सख्त मलकुल मौत है कि जो उस फरिश्ते को मौत देगा। मलकुल मौत से ज़्यादा सख्त हुक्म इलाही है कि हुक्म इलाही के मुताबिक मलकुल मौत को भी मौत आना है। अजीज़ाने गिरामी, पूरा मरहला, पूरा मसला इमाम हसन मुश्तबा ने बता दिया और ये भी बता दिया कि देखो चीज़ पे अख्तियार खुदा का है, चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे कायनात हो, चाहे फर्श हो, चाहे अर्श हो। अब अजीज़ाने गिरामी समझ में आया, जब पूरी कायनात अल्लाह की इबादत करती है, पूरी कायनात खुदा का शुक्र अदा करती है, नहीं खुदा भी कुछ चाहता है। खुदा कहता है कि देखो मेरी इबादत के साथ तुम्हारे ऊपर अहले बैत की इताअत भी वाजिब है। सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी इबादत के साथ अहले बैत की मोहब्बत और इनकी इताअत भी तुम्हारे ऊपर वाजिब है। लिहाजा खुदावंद मुतान ने कुरान में कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। अरे बात यहीं पे ख़त्म कर देता, क्या ज़रूरत थी साहिबान अम्र की इताअत के हुक्म देने की। अजीज़ाने गिरामी, मुसलमान ये नहीं समझ पाते कि इताअत सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं है, सिर्फ रसूल के लिए नहीं है, बल्कि साहिबाने अम्र के लिए भी है, रसूल के साथ आले रसूल के लिए भी है। अब अगर इस बात को वो समझ जाए तो ईमान ईमाने कामिल बन जाए, ईमान ईमाने कामिल बन जाए। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, ईमान तो उन्हीं का ईमाने कामिल बन सकता है कि
ईमान के कुल्ले दर्जे पे फायज हो, जो ईमान के कुल्ले दर्जे पे फायज हो। अब समझ में आया कि मैदान में क्यों रसूल ने कहा था कि कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले जा रहा है। अब जो कुल्ले ईमान का मानने वाला होगा उसका ही ईमान कामिल होगा। सलावत भेजिए पर मोहम्मद। अब जो कुल्ले ईमान का मानने वाला होगा, कुल्ले ईमान का चाहने वाला होगा, उसका ही ईमान ईमान कामिल होगा। और ये विलायत है कि जो इंसान को कमाल पे ले जाती है, ये मोहब्बत विलायत है कि जो इंसान को काबा और कौसैन और अदना की मंजिलों को तय करवा देती है। कुरान में है आयतल कुर्सी है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू युख्रिजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का वली है। तवज्जो कीजिएगा, खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का वली हूँ, ईमान वालों का वली है। इसीलिए रसूल ने इरशाद फरमाया कि या अली तुम्हारे चाहने वाले ही साहिबान ईमान है और तुम्हारे ही चाहने वाले साहिबान तकवा है। एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो तुमसे मोहब्बत करे वही साहिबान ईमान है, जो तुमसे मोहब्बत करे वही साहिबान तकवा है। खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली जो तुमसे हसद करे, जो तुमसे बुग्ज करे, जो तुम्हारी अदावत करे, वो दुनिया में भी जहन्नमी है और आखिरत में भी जहन्नमी है। यानी ऐसे इंसान की दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ाने गिरामी, इबादत की जाती है लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, इबादत की जाती है लेकिन अल्लाह की खुशनूदगी के लिए। सिर्फ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह देने से कुछ नहीं हो जाता। वो करो कि जिसका हुक्म दिया है, वो करो कि जो वाजिब करार पाया है। अजीज़ाने गिरामी, तारीख में मिलता है, कुरान की आयात मौजूद है कि अहले बैत की मोहब्बत तुम पर वाजिब। कुल्लास अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते या रसूल अल्लाह, आपकी इतनी जहमतें या रसूल अल्लाह, आपकी इतनी खिदमतें या रसूल अल्लाह, आपने इन हैवानों को इंसान बना दिया, इन्हें तो कुछ नहीं आता था, न पानी पीना आता था, न खाना खाना आता था, न कपड़े पहनना आते थे, न बोलना आता था, न चलना आता था। ऐसे हैवानात नुमा लोगों को रसूल ने इंसान बनाया। अब जब इंसान बना दिया तो नबी को मालूम था कि ये इंसान नुमा लोग दोबारा न बन जाए, लिहाजा मैदान गदीर में एक सिपे सालार को रोक कर गए, एक सिपे सालार को देके गए कि ये लोग जब हैवान नुमा बनने लगे तो इनकी हिदायत कर देना। एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत को वाजिब करार दिया, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि नबियों के लिए, बल्कि अम्बिया और मुरसलीन के लिए। जनाब यूसुफ कौन है? आम इंसान नहीं है, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के हादी हैं। जनाब यूसुफ जब 16 बरस के थे या 15 बरस के थे तो उस वक्त हज़रत ज़ुलैखा के जो जनाब यूसुफ की आशिक थी, जो उनसे मोहब्बत करती थी, आपने पूरी दास्तान कुरान में पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, तो उसमें क्या मिलता है? उस दास्तान में यही तो मिलता है कि जनाब ज़ुलैखा यूसुफ़ की आशिक हो गई, लेकिन अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी, लेकिन यूसुफ़ से मोहब्बत करती थी। अब एक ज़माना आया कि यूसुफ़ अज़ीज़ मिस्र बना दिए गए, यूसुफ़ जवान हो गए, ज़ुलैखा बूढ़ी हो गई। सबका एक वक्त होता है, कभी जवान होता है कभी बूढ़ा होता है, लिहाजा अब ये ज़माना आ गया कि यूसुफ जवान हो गए, ज़ुलैखा बूढ़ी हो गई, गलियों में फिरा करती थी मिस्र की, यूसुफ यूसुफ कहा करती थी। अब समझ में आया कि हम अली अली क्यों करते हैं। मुहिब की पहचान यही तो होती है, जिस गली से भी जाए नारे हैदरी बुलंद करके जाए। एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले। लिहाजा हर गली से गुजरती थी, या यूसुफ, ऐ यूसुफ, ऐ यूसुफ। नाबीना हो चुकी हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, सिपाहियों ने देखा कि किसको याद कर रही हैं, मालूम हुआ अज़ीज़े मिस्र को याद कर रही हैं। पकड़ के लाया गया महल में, जनाब यूसुफ तख्त पे बैठे हुए थे, कहा ये किसको ले आए? ज़ुलैखा अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत खातून,
जब यूसुफ के सामने आई, कहा ये किसको ले आए, कहा ये आपकी आशिक है, ये आपसे मोहब्बत करती हैं, आपको चाहती हैं, आपका नाम पूरे दिन लेती हैं, गलियों में फिरा करती हैं, ये जुलाइखा हैं। अब जब जनाब यूसुफ ने देखा तो क्या देखा कि जुलाइखा की कमर झुक चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बीनाई जा चुकी है। कहा ये क्या हाल हो गया, ये कैसी हालत बना ली जुलाइखा। अब जनाब जुलाइखा जवाब देती हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हो, ये हालत तुम्हारी वजह से तो हुई, तुम्हारी मोहब्बत में ही तो हुई। अजीजाने गिरामी तवज्जो कीजिएगा, बहुत सारे चेहरे मैं देख के बता सकता हूँ कि जहाँ पे मैं उनको लाने वाला हूँ वहाँ वो पहुँच चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं पहुँचे। इंशाल्लाह मैं उनको भी वहाँ तक पहुँचा दूंगा जहाँ उनको ले जाना चाहता हूँ। जनाब जुलाइखा जवाब ये देती हैं कि ए यूसुफ, ये हालत जो मेरी हुई है तुम्हारी वजह से तो हुई है, तुम्हारी मोहब्बत में ही तो हुई है, तुम्हारा नाम दिन भर लेती हूँ, तुम्हारा जिक्र दिन भर करती हूँ, मेरी ये हालत हो गई। अब अजीजाने गिरामी जनाब यूसुफ हैं, फरमाते हैं, अल्लाह के नबी हैं, कोई ऐरा गैरा नहीं है, क्या फरमाते हैं, ए जुलैखा तुमने अभी मेरी खूबसूरती को देखा, तुमने अभी मेरी खूबसूरती को देखा तो तुम्हारा हाल ये हो गया, जब फखरे यूसुफ को देखोगी, फखरे यूसुफ को देखोगी तो तुम्हारा हाल क्या हो जाएगा। एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले, जब फखर यूसुफ को देखोगी। अब जुलैखा सवाल करती हैं कि फखर यूसुफ कौन है, कहा मोहम्मद। अब अजीजाने गिरामी तारीख में मिलता है, इधर नाम मोहम्मद आया, इधर इस्म मोहम्मद आया, किसके जरिए से आया, मासूम के जरिए से आया, किसके जरिए से सुना, मासूम की जबान से सुना। अब जैसे ही इस्म मोहम्मद आया यूसुफ की जबान पे, जुलाइखा ने कहा कि ऐ यूसुफ तुमने मोहम्मद का नाम लिया, मेरे दिल में मोहब्बत आ गई। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, इधर जुलाइखा ने कहा कि मेरे दिल में मोहब्बत आ गई, मशीयत इलाही ने इरादा किया, जिब्राइल को भेजा कि ए जिब्राइल ये मेरी मोहम्मद की आशिक है, लिहाजा इसकी जवानी को दोबारा पलटा दे। एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इसकी जवानी को दोबारा पलटा दे। अब मुझे नहीं मालूम कि यूसुफ ने किस मोहम्मद का नाम लिया था, उस मोहम्मद का नाम लिया था कि जो मुसलमानों का नबी है, या उस मोहम्मद का नाम लिया था कि जो पर्दा गैब में मौजूद है। अजीजाने गिरामी इसीलिए रसूल ने इरशाद फरमाया, अव्वलोना मोहम्मद, औसदोना मोहम्मद, आखरोना मोहम्मद, हम में जो पहले है वो भी मोहम्मद, जो दरमियानी है वो भी मोहम्मद, जो पर्दा गैब में है वो भी मोहम्मद। एक सलवात भेजी पर मोहम्मद। हम में जो पहले हैं वो भी मोहम्मद, जो दरमियानी हैं वो भी मोहम्मद, जो आखिरी हैं वो भी मोहम्मद। अब कोई फ़र्क नहीं पाया जाता, ना किरदार में फ़र्क पाया जाता है, ना रफ्तार में फ़र्क पाया जाता है, ना गुफ्तार में फ़र्क पाया जाता है, ना अखलाक में फ़र्क पाया जाता है, ना सीरत में फ़र्क पाया जाता है, ना सूरत में फ़र्क पाया जाता है। जैसा नबी का किरदार वैसा इनका किरदार, जैसे नबी की सीरत वैसे इनकी सीरत, जैसे नबी की सूरत वैसे इनकी सूरत। अब अजीजाने गिरामी समझ में आया कि क्यों नबी ने शबे हिजरत किसी ऐरे गैरे को अपने बिस्तर पे नहीं सुलाया, बल्कि अली का इंतखाब किया। एक मोहम्मद जा रहा था, दूसरा मोहम्मद सो रहा था। एक सलवात भेजी पर मोहम्मद। दूसरा मोहम्मद सो रहा था। अब अजीजाने गिरामी तारीख में मिलता है कि शबे हिजरत क्या हुआ कि अली को बुलाया नबी ने, और बुलाने के बाद फरमाया, आए अली मेरी जान को खतरा है, मुझे ये कत्ल कर देना चाहते हैं ये मक्के के मुशरिकीन, ये मक्के के काफरीन, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मैं हिजरत कर लूँ और मेरी जगह पे आप सो जाइए। अजीजाने गिरामी अली की जगह कोई ऐरा गैरा होता जो मौजूद थे नबी के नज़दीक, जो पास में मौजूद थे, इसीलिए नबी ने ऐरे गैरों से नहीं कहा
हैदर कर्रार से कहा, किसी फर्रार से नहीं कहा, एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी फर्रार से नहीं कहा बल्कि हैदर कर्रार से कहा, हैदर कर्रार का इंतखाब किया, उनको मुंतखब किया और फरमाया आए अली मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बिस्तर पे आप सोएं। अब अजीज़ाने गिरामी ये कहा जाता है कि अली को नींद नहीं आती थी लिहाजा रातों में जागा करते थे, अली सो नहीं पाते थे बेचैन रहते थे लिहाजा रातों में इबादत इलाही अंजाम दिया करते थे। अरे तुम क्या कहते हो कि अली रातों में इबादत इलाही क्या करते थे, शब हिजरत आके देखो किस इत्मीनान के साथ अली सो रहे हैं, जंग में नहीं है, मैदान जंग में नहीं है बल्कि दुश्मनों के हिसार में घिरे हुए हैं, खतरे में घिरे हुए हैं। अली की जगह कोई और होता तो शायद भाग चुका होता, बिस्तर को छोड़ चुका होता, लेकिन ये अली इब्न अबी तालिब हैं जो इत्मीनान की नींद सो रहे हैं क्योंकि अली को मालूम है कि सोने वाला मैं हूँ लेकिन मुहाफिजत अल्लाह के अख्तियार में है, लिहाजा जिब्राइल को भी भेज दिया, मिकाइल को भी भेज दिया, एक सलवात भेजी पर मोहम्मद। अब अजीज़ाने गिरामी नबी अली को सुला करके हिजरत के लिए निकल गए, हिजरत कर ली। अब तारीख में मिलता है कि मुहासरा कर लिया है जालिमीन ने, काफरीन ने, मुशरिकीन ने, दुश्मनों ने रसूल के घर का। अब इंतज़ार ये कर रहे हैं कि सुबह हो तो हम सब मिलके हमला करें, घर में घुस जाएं और हमला कर दें, रसूल को कत्ल कर दें। अब तारीख में मिलता है कि जब सुबह हुई तो तमाम काफरीन, तमाम मुशरिकीन के जो हिसार कर रहे थे घर में दाखिल होते हैं। अब अली का दस्तूर अजीज़ाने गिरामी ये है कि अली चादर यानी अबा को ओढ़े हुए सो रहे हैं, इत्मीनान के साथ सो रहे हैं। तारीख में ये मिलता है और ये सुन्नत नबी भी है कि जब नबी सोया करते थे तो ना दाई जानिब देखते थे ना बाई जानिब देखते थे बल्कि सीधे सोते थे। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, अब यहाँ पे एक नुक्ता है कि जो आपके खिदमत में अर्ज करना है, नबी जब सोते थे तो ना दाई जानिब देखते थे ना बाई जानिब देखते थे, नबी ये नहीं देखते थे कि कौन दाई जानिब सो रहा है कौन बाई जानिब सो रहा है, नबी अपना सीधे सोते थे। लिहाजा आज भी नबी कब्र में सो रहे हैं, नबी नहीं जानते कौन दाई जानिब सो रहा है कौन बाई जानिब सो रहा है, एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अजीज़ाने गिरामी जब नबी ने अपनी ज़िंदगी में कभी दाई जानिब और बाई जानिब नहीं देखा तो हम नमाजों में क्यों दाई जानिब बाई जानिब देखें, और ये कैसे मुमकिन है जब नबी ने अपनी हयात में इधर और उधर नहीं देखा तो कब्र में कैसे इधर और उधर देख सकते हैं। लिहाजा इधर वालों पे भी अजाब हो रहा होगा, उधर वालों पे भी अजाब हो रहा होगा, नबी को फ़र्क नहीं पड़ता किस पे अजाब हो रहा है किस पे रहमत की बारिश हो रही है, एक सलवात भेजी पर मोहम्मद। लिहाजा ये मिलता है कि नबी सीधे सोते थे और चादर को तान लेते थे जैसे पैर से सर तक, जिसमें के आज़ा नज़र नहीं आते थे, लेकिन मुसलमान ये जानते थे कि सोने वाला शख्स नबी है, पहचानते थे क्योंकि नबी की सुन्नत थी। अब अजीज़ाने गिरामी शबे हिजरत वही तरीका कि जो नबी का था, वही अंदाज जो नबी का था, वही नूर के जो नबी के जिस्म से जाहिर होता था। अजीज़ाने गिरामी बिस्तर पर अली हैं नबी नहीं हैं, अली वैसे ही सो रहे थे जैसे नबी सोते थे, वैसे ही अबा को ताने थे कि जैसे नबी ताने तान कर सोते थे, उसी तरह से नूर जाहिर हो रहा था जैसे नबी के जिस्म से नूर जाहिर होता है। अब अजीज़ाने गिरामी समझ में आया क्यों रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। जब ये नूर जमा हो जाते हैं तो कोई पहचान नहीं पाता कि चादर के नीचे अली सो रहे हैं या मोहम्मद सो रहे हैं, एक सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले। पता नहीं चलता कि चादर के नीचे कौन सो रहा है। अब तारीख में मिलता है कि दुश्मन घर के अंदर दाखिल होते हैं, अबा को उठाते हैं। अब इस हालत में इमाम अली हैं कि सो रहे हैं, जब देखते हैं कि चारों तरफ दुश्मन है। अब अजीज़ाने गिरामी कोई और होता तो डर जाता क्योंकि सबके हाथों में तलवारें थीं, सबके हाथों में असलहे मौजूद थे, लेकिन अजीज़ाने गिरामी तारीखी जुमला है मौला का, मौला ने ये नहीं कहा घर में क्यों आ गए,
तलवारें क्यों ताने हुए हो, क्यों मारना चाहते हो? मौला ने देखा कि जिसने चादर ली थी, जिसने अबा ली थी, मौला ने कहा मेरी चादर को वापस कर, मेरी चादर को वापस कर, मैं दोबारा सोना चाहता हूँ, मैं दोबारा सोना चाहता हूँ। मालूम ये होता है अली जो सो रहे थे वो ज़मीन पे मौजूद नहीं थे बल्कि अर्शे इलाही की सैर कर रहे थे। यही फ़र्क होता है एक आम इंसान में और एक मासूम में। इंसान जब सोता है तो ज़मीन पे फिरा करता है, लेकिन एक मासूम जब सोता है तो अर्शे इलाही की सैर किया करता है। एक सलावत भेजी पर मोहम्मद वाले, अर्शे इलाही की सैर किया करता है। अब अज़ीज़ाने गिरामी, उस एक शख्स ने कहा कि ये तो भाई नबी नहीं है, ये तो अली हैं, लिहाजा नबी कहाँ है? अब अली से पूछा जाता है कि मोहम्मद कहाँ है, तो मौला जवाब देते हैं क्या मेरे हवाले करके गए थे, क्या मेरे सिपुर्द करके गए थे, क्या मेरे पास बिठा के गए थे? अगर मेरे हवाले करके जाते तो मैं तुम्हें देता, मैं तुम्हें दिखाता। अब समझ में आया कि जहाँ जहाँ पर भी नबी होते हैं वहाँ वहाँ अली होते हैं। अजीज आने गिरामी, ज़ाहिरन नबी तो हिजरत करके चले गए थे, लेकिन वही अंदाज, वही तरीका, वही गुफ्तगु, वही नूर कि जो नबी की ज़ात में मौजूद था वही अली की ज़ात में भी मौजूद था। एक सलावत भेजी पर मोहम्मद वाले। अब अज़ीज़ाने गिरामी, नबी तो चले गए हिजरत करके, लेकिन तमाम जिम्मेदारियों को अली के सुपुर्द कर गए। अब जाहिर सी बात है उस ज़माने में मुसलमान तो थे नहीं मक्के में, मुशरिकीन थे या काफरीन थे। अब तारीख़ में मिलता है कि जब नबी जा रहे थे तो अली से ये कह के गए कि या अली, कुछ अमानतें हैं कि जो काफिरों की हैं, मुशरिकीन की हैं, कि जो मैं आपके सुपुर्द करके जा रहा हूँ, लिहाजा उन अमानतों को वापस कर दीजिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, मासूम वो होता है जो अमीन भी होता है, जो सिद्दीक़ भी होता है, जो अमानतों को भी रखता है, सदाकत से वापस भी करता है। नबी ने ये नहीं बताया कि ऐ अली वो अशरफियाँ किसकी हैं, नबी ने ये नहीं बताया कि ऐ अली वो लिबास किसके हैं कि जो अमानत के तौर पर रखे हुए हैं, नबी ने ये नहीं बताया कि ऐ अली वो सामान किसका है। नबी ने कहा अली से कि ऐ अली ये अमानतें रखी हुई हैं, इन अमानतों को वापस कर दीजिएगा। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, नबी ने कहा अमानतें मौजूद, वापस कर दीजिएगा। अली ने भी सवाल नहीं किया किसकी अमानत कौन सी है, किसको क्या वापस करना है। अब अज़ीज़ाने गिरामी समझ में आया कि जो इल्म, जो शऊर नबी के पास था वही शऊर, वही इल्म अली के पास भी था, लिहाजा यहाँ पर ना कोई बताता है ना कोई पूछता है। एक सलावत भेजी पर मोहम्मद वाले। अब अज़ीज़ाने गिरामी, मौला ने तमाम काफरीन और तमाम मुशरिकीन में ऐलान कर दिया कि जिसकी जो अमानत है वो आकर ले जाए। अब लाइन बनी, लोग आए, और आने के बाद एक एक काफिर, एक एक मुशरिक अली से अपनी वापस अमानत लेने लगा। अब तारीखी वाक़या है, तारीख़ में ये मिलता है कि जब मौला खड़े होकर के एक एक की अमानत वापस कर रहे थे तो मौला चेहरे को देख रहे थे और अमानत को वापस कर रहे थे। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, मौला चेहरे को देख रहे थे, अमानत को दे रहे थे। कहना ये चाहूँगा कि ये काफिरीन हैं, ये मुशरिकीन हैं, इमाम इनके चेहरे को देख करके इनकी अमानतों को वापस कर रहे हैं। अब रोज़े महशर का जब मंजर होगा, काफिरीन भी मौजूद होंगे, मुशरिकीन भी मौजूद होंगे, शियाने अली भी मौजूद होंगे। अब अज़ीज़ाने गिरामी, मौला का यही दस्तूर होगा, इतने मजमे में देखेंगे कौन मेरा चाहने वाला है, कौन मेरा मुहिब है, इसी तरह से चुन लेंगे जैसे एक परिंदा, जैसे एक चिड़िया दाने को चुन लेती है, और बशारत दे देंगे कि देखो इस पूरे मजमे में जो मेरा चाहने वाला है वो मेरी तरफ आ जाए, जो मेरा मानने वाला नहीं है वो मुझसे दूर हो जाए। सलावत भेजी पर मोहम्मद वाले। लिहाजा ये ज़ात अली इब्ने अबी तालिब है, ये ज़ात अली इब्ने अबी तालिब है। अज़ीज़ाने गिरामी, इनके अलावा और इनकी मोहब्बत के अलावा कोई है ही नहीं कि जिससे मोहब्बत की जाए, कोई है ही नहीं कि जिससे मवद्दत की जाए, कोई है ही नहीं कि जिससे उम्मीद की जाए। क्यों? क्योंकि ये वो हैं कि जो हमें दुनिया में भी कामयाब कर देते हैं और हमें आखिरत। इंसान की जो ज़िंदगी है आज के देख लिए तो 60 बरस, 60 साल से ज़्यादा मामूलन इंसान जिंदा। गिरामी, जब इस दुनिया में तो लाजमी है हर साल 2 महीने 8 दिन का मुहर्रम आता है, हर साल जो है आज़ादारी हुसैन आती है, हर साल मजलिसें की जाती हैं, हर साल
इस पूरी उम्र में कि जो 60 की उम्र है तो 60 साल मिल रहे हैं, हिदायत पा जाओ, पा जाओ, कामयाब हो जाओ, हिदायत के रास्ते पे आ जाओ, पूरे 60 बरस गुजर जाए लेकिन ऐसी जिंदगी किस काम की कि 60 बरस गुजार दिए, अब यहाँ तो 60 बरस गुजार दिए, वहां 60 है, वहां 600 साल गुजार, वहां गुजार पाए जीवन मोहम्मद वाले मोहम्मद عزیزانِ گرامی، یہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کا وعدہ خداوند متعال نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اور کس سے کیا ہے؟ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا ہے۔ عزیزانِ گرامی، تاریخ میں بہت سارے آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جنہوں نے عزاداری کے اوپر اعتراض کیے، کہ جنہوں نے عزاداری کو برا کہا یا جنہوں نے بدعت بتایا وہ دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کچھ سوال آ جاتے ہیں عزاداری سے متعلق، یہ علم کہاں سے آ گیا، یہ تابوت کہاں سے آ گیا، یہ تعزیہ کہاں سے آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ سنت الہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس فرش عزا پہ صرف آپ بیٹھے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس فرش عزا پہ بیٹھنے والے صرف انسان ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ جب فرش عزا بچھتی ہے تو اس فرش عزا پہ ملائکہ و مقربین آ جاتے ہیں، انبیاء و مرسلین آ جاتے ہیں، فرشتے اپنے ہی جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس فرش عزا پر رسول اللہ آتے ہیں، اس فرش عزا پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اس فرش عزا پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آئمہ کی سنت ہے، یہ سنت ہے آئمہ کی۔ علامہ مجلسی کون ہے؟ صاحب بہار الانوار ہیں، کہ جنہوں نے بہار الانوار لکھی، وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے ایک مرجع تقلید کے ذریعے سے سنا کہ جو موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں تو وہ جس زمانے میں مشہد میں رہا کرتے تھے تو دستور یہ تھا ان کا کہ مشہد میں رہتے تھے اور کچھ دن کے لیے وہ خادم حرم بن گئے تھے، حرم کی خدمت کرتے تھے، جاتے تھے، ایک وقت معین تھا کہ اس وقت میں میں حرم کی خدمت کروں گا، زائرین امام رضا کی خدمت کروں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن شب جمعہ تھا، مجلس منعقد کی گئی، مجلس شروع ہوئی، تو جو ذاکر تھا، خطیب تھا، وہ ممبر پہ آیا اور آنے کے بعد اس نے امام جعفر و صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو، خطیب نے ایک حدیث کی جو امام سے تھی وہ لوگوں کے درمیان بیان کی کہ امام نے فرمایا کہ جو میرے جد حسین کے اوپر مکھی کے پر کے برابر بھی گریہ کرے گا، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، جنت لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اب ایک خادم حرم جو بیٹھا ہوا تھا نیچے، جب مجلس ختم ہوئی تو وہ ذاکر و خطیب کے پاس گئے اور جانے کی بات کہنے لگا، آغا، یہ آپ نے حدیث جو پڑھی، جو امام سے پڑھی، اس کے اوپر مجھے اعتماد نہیں، اس کے اوپر مجھے یقین نہیں، کیسے ممکن ہو کہ ایک عزادار کی آنکھوں میں مکھی کے بال کے برابر، مکھی کے پر کے برابر آنسو آ جائے تو اس کے اوپر اتنی بڑی جنت واجب ہو جائے گی؟ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ یہ کہہ کے اعتراض کر کے خادم تھا چلا گیا۔ رات کا وقت ہوا، سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان برپا ہے، میدان محشر برپا ہے۔ اب میدان محشر کے لیے ملتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کو لے کر پریشان ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے بھاگ رہا ہوگا، تو میدان محشر برپا ہے اور میدان محشر میں ایک مقام ہے کہ جو نورانی مقام ہے، روشن مقام ہے، اور وہاں پہ تین شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، بہت نورانی شخصیات ہیں، بہت منور چہرے ہیں، اور محشر کے میدان میں چاروں طرف تاریکی ہے لیکن صرف یہ حصہ ہے کہ جو نورانی ہے، جو منور ہے، جو روشن ہے۔ اب یہ خادم دیکھتا ہے کہ میں میدان محشر میں موجود ہوں، اب یہ دیکھتا ہے ایک طرف تاریک، دوسری طرف روشنی، دوسری طرف اجالا ہے، لہٰذا اس طرف بڑھتا ہے کہ جس طرف روشنی ہوتی ہے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ تین نورانی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ایک حوض ہے کہ جس حوض کا نام حوض کوثر ہے، اور وہاں پر وہ جو نورانی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک جام ہے، اور وہ جام اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں اور عاشقوں کو دے رہے ہیں۔
अब ये खादिम आगे बढ़ता है, बहुत तशना है, बहुत प्यासा है, जब आगे बढ़ा चाहता है कि नौश कर ले, चाहता है कि उस जाम को पी ले। जब आगे बढ़ा तो बढ़ने के बाद वो जो नूरानी शख्सियात थी उनसे सवाल किया कि आप कौन हैं, तो उसमें से एक नूरानी शख्सियत जो थी वो बोली कि मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद हूँ। मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद हूँ और ये जो बैठे हुए हैं सामने ये अली इब्न अबी तालिब हैं, सामने ये जो बुरखा पोश बीबी बैठी हुई है ये फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, आप इस वाक़े को सुन लेंगे तो वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। जब ये शख्स आगे बढ़ता है और रसूल से कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे उम्मत के नबी हैं, मैं चाहता हूँ कि इस जाम से मैं सैराब हो जाऊँ, इस जाम को मैं पी लूँ, तो नबी जो है अली की तरफ इशारा करते हैं कि अली से मांग लो, अली तुम्हें सैराब कर देंगे। अब ये खादिम आता है और आने के बाद कहता है कि आखा मैं बहुत तशना हूँ, मैं आपका मानने वाला हूँ, मुझे सैराब कर दिए पानी से। अज़ीज़ाने गिरामी, वाक़े में मिलता है कि मौला शहज़ादी की तरफ इशारा करते हैं कि जाओ बीबी के पास, इनसे तलब करो, इनसे मांगो। खादिम हाथों को जोड़ता है, बीबी के सामने आता है और आने के बाद फरियाद करता है कि ए बीबी मुझे पानी दे दीजिए, मैं बहुत तशना हूँ। अब अज़ीज़ाने गिरामी, बीबी का ये जुमला कि जो अल्लामा मजलिसी ने बयान किया और जो मैंने मर्जे तकलीद के ज़रिए से सुना, बीबी फरमाती हैं कि तुम वही हो ना कि जिसने मेरे हुसैन के अज़ादार के रोने के ऊपर एतराज़ किया था, तुम्हें यकीन न था कि एक अज़ादार, एक हुसैन का चाहने वाला जब मेरे हुसैन के ऊपर रोएगा तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये मैं कहती हूँ कि हर उस अज़ादार के ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी कि जो हुसैन के ऊपर गिरिया करे, जो हुसैन के ऊपर रोए। अब रोने की मकदार नहीं है, अगर वो रोना एक मक्खी के बाल या पर के बराबर ही क्यों ना हो, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। अब अज़ीज़ाने गिरामी क्या देखता है कि चारों तरफ तारीकी हो जाती है, वो नूरानी शख्सियात गायब हो जाती हैं, ये परेशान हो जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी वाकई में मिलता है कि एकदम से बेदार होता है क्योंकि ख्वाब देख रहा होता है। जाता है इमाम के हरम में, इमाम रज़ा के हरम में, और जाने के बाद तौबा करता है, जाने के बाद कहता है कि आका मुझसे गलती हो गई। अज़ीज़ाने गिरामी वाकई में मिलता है कि एक आवाज़ आती है कि ये गलती जो तूने अब की है ये कभी मत करना, क्यों? क्योंकि हुसैन को बहुत ही मजलूमियत के साथ शहीद किया गया, करबला के मैदान में बहुत मजलूमियत के साथ शहीद किया गया है, लिहाजा हुसैन के हर जुल्म के ऊपर कि जो हुसैन के ऊपर हुआ उसके ऊपर जो रोएगा उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, आज 9 मुहर्रम की तारीख है, आपके सामने मुफस्सल मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, आज आपको अपने ज़माने के इमाम को पुरसा देना है, आज आपको हुसैन की दुखियारी माँ को पुरसा देना है, आज आपको नबी को पुरसा देना है। अज़ीज़ाने गिरामी, आज का दिन वो दिन है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बहुत सख्त था। शबे आशूरा तारीख में आपने सुना है और ज़ाकिरीन और उलमा पढ़ते हैं कि शबे आशूरा इमाम ने तमाम असहाब को जमा किया, एक चिराग रोशन है, चिराग के चारों तरफ आपके असहाब अंसार जमा हैं, बीच में इमाम बैठे हुए। इमाम फरमाते हैं ये जितने भी लश्कर वाले हैं, ये जितने भी फौज वाले हैं, ये जितना बड़ा भी लश्कर है, ये मेरे दुश्मन हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं, जहरा के लाल को मारना चाहते हैं, इनकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लिहाजा जिसको जाना हो वो जा सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है। और अगर तुम ये सोचते हो कि रोज़े महशर तुम्हारी शिफात नहीं हो सकती, तो मैं ज़मानत लेता हूँ कि रोज़े खुद तुम्हारी शिफात करूँगा। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि अगर अभी भी जाने में शर्म महसूस कर रहे हो तो मेरे घर के एक बच्चे का हाथ पकड़ो और अपने साथ ले जाओ। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम हुसैन उज्जत तमाम कर रहे हैं, इख्तियार दे रहे हैं, तमाम असहाब को इख्तियार दे रहे हैं कि जिसको जाना है वो जा सकता है। रिवायत कहती है कि इमाम ने चिराग को बुझाया, हुज्जत को तमाम किया, दोबारा चिराग को रोशन किया, क्या देखते हैं कि असहाब मौजूद हैं, गिरिया कर रहे हैं, ए अबना रसूल अल्लाह, इस गुर्बत के आलम में आपको कैसे तना छोड़ के चले जाए, कैसे अकेला छोड़ दे। अज़ीज़ाने गिरामी, वो वक्त भी आता है कि जब तमाम असहाब हुसैन शहीद हो जाते हैं, इमाम के ऊपर अपनी जानों को निछावर कर देते हैं। रोज़े आशूरा का वाक़या, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए शबीब के बेटे, ये रोज़े आशूरा वो दिन है, इन्ना यौमल हुसैन अक़रहा जुफूनना, ये वो दिन है
कि जब दिन ये आता है तो मेरी आंखें मजरूह हो जाती हैं, मेरी आंखें जो है जख्मी हो जाती हैं, मेरे आंखों से खून जारी हो जाती है जाते हैं। अजीजाने गिरामी, तारीख कहती है कि रोज़े आशूरा थी, तमाम सहाबी हुसैन शहीद कर दिए गए, तमाम अंसार हुसैन शहीद कर दिए गए। अब हुसैन एक बुलंदी पे आते हैं, कमर को थामे हुए हैं क्योंकि कमर टूट चुकी है, आंखों से बीनाई जा चुकी है। तारीख कहती है कि हुसैन ने बुलंदी पर आकर सदा इस्तगासा को बुलंद किया, हल मिन नासरन यंसुरना, हल मिन मुगीसो युगीसुना, हल मिन मोइनुन योइनुना। अरे कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी नुसरत करे, कोई है जो मेरा साथ दे। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है कि सात मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा इस्तगासा को बुलंद किया। जब पहली मरतबा बुलंद किया तो जिन्नात हाजिर हो गए, ए यबना रसूल अल्लाह, हम आपकी इमदाद के लिए हाजिर हैं, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। इमाम ने वापस कर दिया। दोबारा सदा को बुलंद किया तो मलाइका हाजिर हो गए, ए रसूल के फर्जंद, ए जहरा के लाल, हम आपके ऊपर अपने को कुर्बान कर देंगे। तीसरी मर्तबा जब सदा इस्तगासा को बुलंद किया तो अंबिया आ गए, यबना रसूल अल्लाह, हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। अजीजाने गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब पांचवी मर्तबा सदा इस्तगासा को बुलंद किया, जनाबे ज़ैनब खेमे से निकल आए, ए भैया अभी आपकी बहन जिंदा है। इमाम ने कहा ज़ैनब खेमे में चली जाओ। तारीख कहती है छठी मर्तबा जब सदा इस्तगासा को बुलंद किया तो शुहदा के कटे हुए लाशें हवा में आ गए, यबना रसूल अल्लाह, इस मौत ने मजबूर कर दिया, वरना आपकी मदद के लिए हाजिर थे। अब तारीख कहती है कि जब आखिरी मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा इस्तगासा को बुलंद किया, मजलूमी के साथ बुलंद किया, फर्जंद जहरा है, फर्जंद हैदर कर्रार है, कमर को थाम के फरमाते हैं, हल मिन नासरन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे। इस गुर्बत के आलम में, इस मुश्किल के वक्त में खेमों से गिरिए की आवाज़ें बुलंद होने लगी। इमाम खेमे में जाते हैं, ए ज़ैनब मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, क्यों गिरिया कर रही हो, क्यों रो रही हो। जनाबे ज़ैनब फरमाती हैं, ए भैया आपकी आवाज़ इस्तगासा को सुनकर अली असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया। अजीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है कि जनाब रबाब जनाब अली असगर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, 6 महीने के अली असगर हैं, अली असगर को तैयार करती हैं, इमाम की आगोश में देती हैं। अब अजीज़ाने गिरामी, आपने तारीख पढ़ी है, आपने तारीख सुनी है, जिस वक्त जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को कुर्बानी के मैदान में लेके आए थे तो जनाब इब्राहिम ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी ताकि मैं अपने बेटे को ज़िबा करते ना देख पाऊँ। अजीज़ाने गिरामी, ये फर्जंदे जहरा है, ये हुसैन की मजलूमी है, अली असगर को आगोश मिलाए, आंखों पे पट्टी नहीं है। अब्बास शहीद कर दिए गए, अली अकबर शहीद कर दिए गए। अब अजीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगोश में लेके मैदान में आते हैं और आने के बाद सवाल आप करते हैं, बच्चे को बुलंद करते हैं और दिखाते हैं कि ये बच्चा बहुत तशना है, ये बच्चा बहुत प्यासा है, 3 दिन का प्यासा है। सवाल आप कर रहे हैं आका हुसैन, कोई जवाब नहीं आता। यजीदी लश्कर इस मंजर को देख रहा है, लेकिन अजीज़ाने गिरामी, देखने वालों के दिल मुनकलिब होने लगे। क्यों? क्योंकि अली असगर ने बहुत ही मजलूमियत के साथ सूखे हुए लबों पे अपनी जबान को फेर दिया। अजीज़ाने गिरामी, उमर साद आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद कहता है कि हुरमुला कहाँ है, हुरमुला कहाँ है, कौन है जो इस बच्चे को शहीद करे, कौन है जो इस बच्चे की जान ले। अजीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है कि हुरमुला आता है और चिल्लाए कमान में तीर को लगाता है। अजीज़ाने गिरामी, वो कोई मामूली तीर नहीं था कि जिसके ज़रिए से अली असगर को शहीद किया गया। अरबों की तारीख में ये मिलता है कि वो तीर था उर्मुला के पास कि जिसके ज़रिए से जंगली जानवरों को शहीद किया जाता था, जंगली जानवरों को मारा जाता था। अजीज़ाने गिरामी, तीर को चिल्लाए कमान में उर्मुला लगाता है, अली असगर की तरफ निशाना लगाता है। तारीख कहती है कि पहली मरतबा जब निशाना लगाया तो हाथ कांपने लगा, तीर गिर गया।
दूसरी मर्तबा जब निशाना लगाया हाथ कांपने लगा, तीर गिर गया। अब उमर साथ सवाल करता है कि आए हुरमुला, तू तो बहुत मशहूर है, तू तो बहुत मारूफ है, तमाम अरबों में तू मशहूर है कि सबसे बेहतर तीरंदाज है, ये तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, ये तेरे हाथ कांप क्यों रहे, तीर क्यों जमीन पे गिर रहा है? तो अजीजाने गिरामी हुरमुला कहता है, जब मैं चिल्ले कमान में तीर को लगाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक बुरखा पोश बीबी सरोसीना पीटती हुई आ जाती है। ए हुरमुला क्या कयामत करता है, ये अली असगर है। तीसरा तीर जब चिल्लाए कमान में लगाया, जाके अली असगर के गले पे लगा। अजीजाने गिरामी चुल्लू में हुसैन ने खून को लिया, आसमान की जानिब देखा इनकार हो गया, जमीन की जानिब देखा इनकार हो गया। हुसैन ने मजलूमियत के आलम में खून को चेहरे पे मल लिया। अजीजाने गिरामी तारीख कहती है कि हुसैन ने खून को चेहरे पे मल लिया और मलने के बाद खेमे की तरफ बढ़े, सात मर्तबा बढ़ते हैं, सात मर्तबा पीछे हटते हैं और फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजाने गिरामी तारीख कहती है कि जनाब अली असगर को एक मकाम पे ले जाकर के दफन कर दिया। अब अजीजाने गिरामी हुसैन मैदान की तरफ आते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, अब कोई सवार करने वाला मौजूद नहीं, अब्बास शहीद कर दिए गए, अली अकबर शहीद कर दिए गए, कासिम शहीद कर दिए गए, औनु मोहम्मद शहीद कर दिए गए। अरे जीजाने गिरामी हुसैन की मजलूमियत है, मजलूमियत के आलम में कमर झुक चुकी है, आंखों की बिनाई जा चुकी है, घोड़े पे सवार होते हैं। ए मेरे नाना के घोड़े, ए मेरे नाना के वफादार घोड़े, मेरी आखिरी मंजिल है, लिहाजा इस आखिरी मंजिल में भी मेरा साथ देना। मैदान करबला में आते हैं, जंग के मैदान में आते हैं। अजीजाने गिरामी इधर 57 बरस के हुसैन है, कमर झुक चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आंखों से बीनाई जा चुकी है। उधर वार हज़ारों की तादाद का लश्कर है, हज़ारों लोग मौजूद हैं, असलहे भी मौजूद हैं, तलवारें भी मौजूद हैं, नेज़े भी मौजूद हैं। अब अजीजाने गिरामी तारीख कहती है कि उमर साद हुक्म देता है कि हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया जाए, हुसैन को नरगए आदा में घेर लिया जाता है। अब अजीजाने गिरामी वो वक्त आता है कि जब हुक्म मिलता है कि हुसैन के ऊपर हमला किया जाए, चारों तरफ से हमला किया जाता है। तारीख कहती है कि जिसके पास तीर थे हजारों की तादाद में हुसैन की तरफ तीर चलते हैं, जिसके पास नेजे से नेजों से हमला करता है, जिसके पास तलवारें थी वो तलवारों से वार करता है। रावी ने कहता है कि मैंने देखा कि जिनके पास असलहे मौजूद नहीं थे, जिनके पास तलवारें मौजूद नहीं थीं, वो करबला के जमीन से पत्थरों को उठाते थे, हुसैन की जानिब मार दिया करते थे। अजीजाने गिरामी जहरा का लाल जीनो जमीन के दरमियान डगमगा रहा है। अब अजीजाने गिरामी सलाम करते हैं इमाम जमाना, सलाम हो मेरा जद हुसैन के ऊपर। जब घोड़े से जमीन की जानिब आए हैं तो जिस्म न जीन पर था और न जमीन पर था बल्कि तीरों पे मुअल्लफ था। तारीख कहती है कि हुसैन का जिस्म तीरों पे मुअल्लक है। अजीजाने गिरामी बस इसी मकाम पे इमाम रजा ने फरमाया कि जब मेरे जद हुसैन जमीन के जानिब आए, जमीन की तरफ आए तो हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा था, आंखों के सामने धुआं था, आंखों के सामने अंधेरा था, जमीन करबला पे आए। अब अजीजाने गिरामी तारीख कहती है हुसैन का सूखा गला है, यजीद का कुंद खंजर है। अजीजाने गिरामी जिस वक्त हुसैन जीन से जमीन के ऊपर आए हैं, मौला मुत्तकियान मौजूद थे, रसूल अल्लाह मौजूद थे, इमाम हसन मुश्तबा मौजूद थे, माँ मौजूद थी, तमाम अंबिया मौजूद थे, लेकिन अजीजाने गिरामी जिस वक्त शिम्र आगे बढ़ता है कुंद खंजर को सूखे गले पे चलाता है, नबियों की सफ़े उठ जाती हैं, जिन्नातों की सफ़े उठ जाती है, रसूल अल्लाह चले जाते हैं, मुश्किल कुशा चले जाते हैं, इमाम हसन मुश्तबा चले जाते हैं। अभी अगर नहीं गई तो सिर्फ शहजादी कौनैन नहीं गई। हुसैन ने नकाहत से कहा क्या सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे? एक दुखियारी माँ ने कहा ए लाल तेरी माँ भी मौजूद है। अजीजाने गिरामी कुंद खंजर सूखे गले पे चलता है, एक मुनादी आवाज देता है कद कुतल अल हुसैन बे करबला अला जुबे अल हुसैन बे करबला, करबला के मैदान में